सर, आपने परिवार से मुलाकात की, इनके पिता का क्या कहना है, किस तरीके से इनकी बेटी के साथ में, चाहे वो हैदराबाद की घटना हो दलितों का और कल बीजेपी भी जो अंबेडकर जयंती है उसको मना रही है, इसके ऊपर सर आपका क्या कमेंट्स है, जिस तरीके की दलितों की घटनाएं हो रही है? अभी मैं परिवार के साथ बैठा और डेल्टा की मुझे एक पेंटिंग दिखाई, एक चिट्ठी दिखाई दी गई मुझे, जिसपे चीफ मिनिस्टर ने लिखा है कि मैं आपको खुशी से कहना चाहती हूँ कि आपकी पेंटिंग मेरे ऑफिस में लगी है। ये अरे मोबाइल किसका है? इंसानियत का मामला है। परिवार को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। डेल्टा हिंदुस्तान की बेटी थी, इंटेलिजेंट थी और उसको मारा गया है, उसको कुचला गया है, दबाया गया है। जिस प्रकार से रोहित को दबाया गया, वहां यहां डेल्टा को दबाया। तो मैं सीएम से कहना चाहता हूं कि सीएम का काम न्याय देने का काम होता है। जिस प्रकार से उन्होंने डेलीगेशन से बात की, वो उनको शोभा नहीं देता। उनको, इस परिवार को और डेल्टा को न्याय देना चाहिए और न्याय देने का एक ही तरीका है, सीबीआई जांच यहां होनी चाहिए। पूरा परिवार ये फील करता है कि राजस्थान में उनको, राजस्थान के सिस्टम से उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये मैं चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये एक लड़की का मामला है, एक हिंदुस्तान की लड़की का मामला है, उसकी इज्जत करें और सही प्रकार से जांच। सर, कल अंबेडकर जयंती है और दलितों की जिस तरीके की घटनाएं इंडिया में हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से बीजेपी इसकी क्रेडिट लेने के लिए कई जगह पर अंबेडकर को लेकर कार्यक्रम कर रही है? जो भी बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है वो ले सके, अगर वो अंबेडकर जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं, अंबेडकर जी के बारे में बोलना चाहते हैं, वो अच्छा है, वो करें, मगर न्याय भी दें। डेल्टा को न्याय दें, रोहित वेम्युला को न्याय दें। अंबेडकर जी का यही कहना था कि दलितों को हिंदुस्तान में सही जगह मिलनी चाहिए।